दोस्तों, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा बंदा भी है जिसने सन 1952 से लेकर आज तक खुद से सांस नहीं ली। मतलब समझो, हम हमेशा सांस खुद से अपनी मर्जी से लेते हैं, पर उसने खुद से सांस नहीं ली। दोस्तों, उस शख्स का नाम है पॉल अलेक्जेंडर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि गाइज, मेरी जुबान से खून निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, तो मेरी जुबान फिसल सकती है, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लेना। दोस्तों, घटना है सन 1952 अमेरिका। कुछ ऐसे ही हालात थे जैसे कि आज कोरोना के हैं, पर फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज कोरोना है, तब पोलियो था। दोस्तों, पोलियो ने ज्यादातर देशों में महामारी सी फैला दी थी, हजारों लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे, और हमारे पॉल अलेक्जेंड्रा भाई साहब को भी पोलियो ने अपनी चपेट में ले लिया। पर गाइस, वो आज भी जिंदा है, सिर्फ लोहे के फेफड़ों की बदौलत। जी हाँ, लोहे के फेफड़े, आयरन लंग। वो इस दुनिया में आखिरी बंदा है जिसके पास अभी भी लोहे के लंग्स हैं, यानी कि लोहे के फेफड़े। इससे पहले जितने भी थे वो सारे मर चुके हैं। दोस्तों, पोलियो की वजह से बचपन में ही उसका डायफ्राम पैरालाइज हो गया था, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले सकता था। वो लोहे के फेफड़े ही उसकी आखिरी उम्मीद थी, जिसके सहारे वो सांस ले पा रहा था। जब सन 1952 में उसको पोलियो हुआ था, तो एक डॉक्टर ने तो उसे डेड घोषित कर दिया था, यानी कि मरा हुआ घोषित कर दिया था, क्योंकि वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा था और उसकी सांस बंद हो गई थी। फिर किसी दूसरे भले डॉक्टर ने उसको वहीं से जैसा का तैसा वहां से उठाया और कुछ ट्रीटमेंट करके उसको लोहे के फेफड़ों में डाल दिया, यानी कि आयरन लंग में डाल दिया, और 3 दिन बाद उसे होश भी आ गया और वो बच गया। 18 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद वो बच तो गया, पर उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। वो अब खेल कूद नहीं सकता था, बच्चों के साथ बाहर नहीं जा सकता था, और खुद की सांसें भी खुद से नहीं ले पा रहा था। उसकी सांसें भी उस लोहे के फेफड़े के द्वारा ही चल रही थी। अब उसके लिए सब कुछ बदल गया था, पर उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने उसी हालात में स्कूल पास किया और कॉलेज से लॉ की डिग्री ली, और उसने जॉब भी की एज ए लॉयर, और साथ ही साथ उसने अपने मुंह के सहारे सिर्फ एक पेन से अपनी पूरी की पूरी बायोग्राफी लिख डाली। सब लोगों ने पूछा कि भाई, तूने बायोग्राफी क्यों लिखी? उसने कहा कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए। अगर मैं इस हालात में इतना सब कुछ कर सकता हूँ सिर्फ अपने मुंह के सहारे, बिना खुद सांस लिए भी, तो दुनिया तो फिर भी चंगी भली है। कीड़े पड़े हैं क्या उनको? गाइस, आप यकीन नहीं मानोगे, वो पेंटिंग भी कर लेता था ब्रश को अपने मुंह में डालकर और उसे घुमाकर। ये स्टोरी मैंने बताना इसलिए जरूरी समझी क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये बंदा इतनी मुसीबतों का सामना करके भी हौसला नहीं हारा, तो हम क्यों हारे? दोस्तों, क्या आपको पता है कि मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसकी शेप हेक्सागन शेप में क्यों होती है? और गाइस, इस वीडियो को देखिए, आपको इस वीडियो को देखकर कुछ हैरानगी सी नहीं महसूस हो रही? गाइस, ये जो बंदा है, ये दुनिया की हर एक चीज को बैलेंस कर सकता है, हर एक चीज, मतलब कुछ भी। और क्या आपको पता है कि जीपीएस का मालिक कौन है, जो आप अपने मोबाइल में यूज करते हो, उस जीपीएस का मालिक कौन है? आई एम सॉरी, मेरी जुबान थोड़ी सी अजीबोगरीब रिएक्ट कर रही है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। उस जीपीएस को ऑपरेट कौन करता है, तो जानने के लिए बने रहिए, आपको कोई भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सीधा शुरू करते हैं। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वॉचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल गुरु हो जाए शुरू। दोस्तों, आपने कभी मधुमक्खियों के छत्ते को गौर से देखा हो, तो आपने हेक्सागन शेप जैसे, मतलब कि 6 कोनों वाला सर्कल तो देखा ही होगा ऐसे, और इस माइक के डिजाइन में भी 6 कोने हैं, मतलब इंसानों ने मधुमक्खियों से उसका डिजाइन भी चुरा लिया। साले चोर गैंग के, अबे तोतला बोल रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मधुमक्खियों ने आखिर ये शेप ही क्यों सिलेक्ट की, और उनके ये चैम्बर्स बिल्कुल आइडेंटिकल और परफेक्ट क्यों होते हैं? क्या मधुमक्खियों ने इंजीनियरिंग की हुई है? तो गाइस, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, मधुमक्खियां एक्चुअली में, वास्तव में एक मैथमेटिकल जीनियस होती हैं, गणित की रानियां। दोस्तों, मधुमक्खियों को पहले से ही एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो खुद भी रह सकें और फूलों के नेक्टर को भी स्टोर कर सकें, जो आगे जाकर, मतलब बाद में, शहद का रूप लेगा। और उन्हें एक ऐसा डिजाइन चाहिए था जिसमें छत्ते को बनाने के लिए कम से कम वैक्स यूज हो, क्योंकि वैक्स को प्रोड्यूस करना बहुत ही मेहनत वाला काम होता है, बहुत ही मुश्किल। तो मधुमक्खियों ने ये हेक्सागन शेप वाला डिजाइन सिलेक्ट किया, जिसमें उन्हें स्टोरेज के लिए मैक्सिमम स्पेस मिला और इसमें वैक्स भी कम लगी। देखा क्या दिमाग था इन मधुमक्खियों का। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि छत्ते के लिए हेक्सागन डिजाइन ही क्यों,
सर्कल वाला गोल शेप भी तो बना सकते थे, है ना। पर गाइस उसमें एक दिक्कत थी, जो ये वाला स्पेस है ना वो वेस्ट जाता, किसी काम का नहीं आता, और वैक्स भी ज्यादा लगानी पड़ती, यूज करनी पड़ती वहां पर फालतू। गाइस मधुमक्खियों को हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, तभी जाकर उन्होंने आखिर में ये वाला डिजाइन चूज किया। तो अब आप पूछोगे कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल शेप भी तो ले सकते थे। गाइस मधुमक्खियों को एक गोल जगह चाहिए थी जिसमें वो आसानी से घुस सके, पर गोल वाला तो दिक्कत थी, पर उन्होंने गोल वाले को हेक्सा शेप में मॉडिफाइड कर दिया। वाओ क्या मॉडिफिकेशन थी। तो गाइस अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर क्यों मधुमक्खियों ने ये हेक्सागन डिजाइन चूज किया। तो दोस्तों शहद की बात तो चल ही रही है, तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आप शहद को शुगर की जगह खाना शुरू कर देते हो, गाइस ध्यान से सुनना, अगर आप शहद को शुगर की जगह खाना शुरू कर देते हो तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। इन शुगर जैसी चीजों को खाने से हमारा इम्यून सिस्टम टेम्परेरी वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और इस कोरोना जैसे टाइम में या फिर जो मर्जी वायरस हो, आलतू फालतू बहुत होते हैं वायरस, इन सभी वायरसेस के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज चाहिए होती है, इम्यूनिटी, जो कि ये शुगर खा खा के कम हो रही है। हो सके तो इस शुगर को कम कर दो या बंद कर दो, और हो सके तो इसे हनी के साथ यानी कि शहद के साथ रिप्लेस कर दो। और पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ज्यादातर हमारी मार्केट में शहद जो है मिलावटी होते हैं, इसलिए शहद बिल्कुल रॉ होना चाहिए और प्योर होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, सारे टेस्ट हुए होने चाहिए उसके ऊपर, तभी हमें उस शहद के सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अगर किसी शहद की हैवी प्रोसेसिंग हुई होगी, मतलब कुछ ऐसे वैसे मिलावटें मशीनों से ये दे दनादन, तो वही वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग रोहनी से कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, खून की कमी, बच्चों की इम्यूनिटी प्रॉब्लम, मुहांसों की समस्या सब दूर हो सकती हैं, अगर शहद का रोजाना उपयोग किया जाए तो। गाइस इसीलिए दादेव का हनी सबसे बेस्ट है, ये बिल्कुल प्योर और रो हनी है, इसको यूज करते हुए भी काफी वक्त हो चुका है, इतना कर दिया अभी तक तो। ये बहुत टेस्टी है, और टेस्टी होने के साथ साथ इसमें कोई मिलावट नहीं है। मिलावट की बात चल ही रही है, चलो इसका मिलावटी टेस्ट भी ले लेते हैं। गाइस ये दादेव का शहद NMR टेस्टेड एंड सर्टिफाइड हनी है, मतलब इंटरटेक लेबोरेटरी जो कि जर्मन में स्थित है, वहाँ पर इस शहद को टेस्ट किया गया है, वो भी मोलिक्यूलर लेवल पर, और इसमें कोई भी मिलावट नहीं पाई गई है। क्योंकि मैं अपने वेट को कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं रोज 3 टाइम गुनगुने पानी में दादेव का हनी मिलाकर नींबू निचोड़कर पीता हूँ, वेट पर भी कंट्रोल हो जाता है, प्लस इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर आप भी अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देना चाहते हो तो आज ही इसे खरीद लीजिए। गाइस प्रमोशन वाली बात अलग है, बट रियल में ये शहद बहुत अच्छा है। और एक और बात बताऊं, ये मेड इन इंडिया है, अपने देश का है। आप इसे सिर्फ इसी वजह से मत खरीदना क्योंकि ये इंडियन है, बल्कि इस वजह से खरीदना क्योंकि ये प्योर है। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसे खरीद सकते हो। दोस्तों साउथ कोरिया का एक बंदा जिसका नाम है नाम सियोंग ब्यून, और लोग इसे रॉकी ब्यून के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों दुनिया का ये एक ऐसा इंसान है, होंगे कुछ और भी पर ये कुछ खास इंसान है। गाइस ये बंदा एक बैलेंसिंग आर्टिस्ट है, इसे जो मर्जी बगड़ा दो ये उसे बैलेंस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये है ना, अरे नहीं हो रहा, ये नहीं हो गया, पर वो कर देगा। अब बताता हूं मैं लंबी लिस्ट। गाइस वो पत्थर, अंडे, वॉशिंग मशीन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ज्यादा हो गया, इन सभी चीजों को बैलेंस कर लेता है। यहाँ पर ये लैपटॉप को पत्थर पर टेढ़ा बैलेंस करवा रहा है, यहाँ पर तो इसने एक वॉशिंग मशीन को ही एक पैर पर खड़ा कर दिया, और इंसानों को एक चेयर पर बिठाकर उस चेयर को एक टांग पर बैलेंस कर दिया। जब रॉकी ब्यून 9 साल का था, वो तब से ही चीजों को बैलेंस करने की प्रैक्टिस कर रहा है। उसने अपने एक्सपीरियंस से चीजों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता लगाने की कला सीख ली है, और इन सभी चीजों की वजह से ही वो बहुत सारी चीजों को, मतलब हर एक चीज को सही तरीके से परफेक्ट बैलेंस कर पाता है। रॉकी ब्यून ने इस बैलेंसिंग आर्ट में रुचि दिखाई और इसी में अपना करियर भी बना लिया। तो रॉकी भैया के लिए ताली। सॉरी गाइस जुबान का मेरा कोई इशू है, बैलेंस नहीं हो पा रही है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो GPS होता है, जिसकी मदद से गूगल मैप या कोई भी एप्पल मैप हो, फलाना ढिकाना जो भी समझ लो, आपको डायरेक्शन दिखाता है, आपको डायरेक्शन बताता है, वो GPS किसका है, किसने ऑन किया, उसका मालिक कौन है? दोस्तों ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब GPS, ये GPS की फुल फॉर्म है। इस GPS को US फोर्स ऑन करती है, मतलब सीधी सी बात है अमेरिका ही ऑन करता है, अमेरिका ही मालिक है इसका। और सन 2000 से पहले तो US के मिलिट्री ही इसे इस्तेमाल करती थी, या वो करता था जिसको US ने GPS की परमिशन दी थी, और सन 2000 के बाद ही इसे जनरल पब्लिक के लिए अलाउ किया गया। और गाइस क्या आपको पता है कि अमेरिका चाहे तो किसी भी वक्त इस GPS को बंद कर सकती है। दोस्तों जब 1999 में कारगिल युद्ध चल रहा था हमारे देश और पाकिस्तान का, आपस में रंजिश चलती रहती है यार भाइयों भाइयों की, चलो आगे चलो, तब अमेरिका ने कुत्ती हरकत की थी। उस वक्त अमेरिका ने इंडियन आर्मी की GPS की एक्सेस डिनाई कर दी थी,
कि भैया हम नहीं देंगे आपको एक्सेस, तुम कर लो जो करना है, उखाड़ना उखाड़ दो, हम नहीं देंगे। तो फिर इंडियन आर्मी को जीपीएस का एक्सेस नहीं मिला और वो नहीं चला पाई, जिससे हमारा नुकसान हो गया, थोड़ा थोड़ा हो गया होगा मुझे नहीं पता, पर ये हमारे लिए एक बहुत ही बैड न्यूज थी। जिसके बाद इंडिया ने खुद का जीपीएस लॉन्च करने की प्लानिंग तभी से ही शुरू कर दी थी, मतलब खुद की लोकेशन सर्विस। जिसके बाद सन 2013 में पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, वो भी इसरो के द्वारा। फिर 2018 में जाकर सारी की सारी सैटेलाइट अप एंड रनिंग हो गए एकदम मक्खन की तरह। इसरो ने इसको नाम दिया नाविक, और इसरो ही इसे ऑपरेट करती है और इसरो ही इसकी मालिक है। साला पंगे ले रहा था बे अमेरिका। पर आप गलतफहमी में मत रहना, आपके मोबाइल में जो जीपीएस है ना, ये अमेरिका का ही है। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ही वक्त बाद आपको आपके मोबाइल में नाविक नेविगेशन की फैसिलिटी मिलेगी, जो कि मोबाइल चिप में होगा। क्वालकॉम ने तो अब नाविक कंपैटिबल मोबाइल चिप्स भी लॉन्च कर दिए हैं। स्नैपड्रैगन 865, 765, 720G, 662 एंड 460, ये सभी देख लीजिए, ये सभी नाविक कंपैटिबल है। तो मोबाइल की बात चल ही रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि Realme का X50 Pro 5G नाविक सपोर्टेड है, हमारे भारत का, पर वो भारत की कंपनी नहीं है, बट समझा करो बात। धीरे धीरे अपना देश तरक्की कर रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, सिलेंडर के मामले से लेकर हर बात पर, हमें सरकार की कोई जरूरत नहीं है। चल भाग। अरे यार सरकार को क्यों दोष दे रहे हैं, गलती तो सारी सिस्टम की है। पर आप सबको पता ही है कि सिस्टम क्या चीज है, सिस्टम किसे कहते हैं। उस सिस्टम को मैं गाली देना चाहता हूँ, बे सिस्टम तू, कुछ दिन हो रहे हैं इनको जूते पड़ेंगे ये सिस्टम को, और आप समझ ही रहे हो सिस्टम कौन है हमारे देश का। तो गाइस बताओ आपको आज की वीडियो कैसे लगी। तो सॉरी यार गाइस, मेरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मतलब खून सा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो यार उसको इग्नोर करो, बार बार बता बता के हो गया सो हो गया, पर वीडियो कंप्लीट कर दी। इस वीडियो को हमने रिकॉर्ड किया है कम से कम 1 घंटा 20 मिनट में, क्योंकि बार 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 रिपीट करना पड़ा वर्ड। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताना और लाइक जरूर ठोक देना। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं, उससे पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 1,40,000 लाइक्स, देखते हैं कितने टाइम में आप पूरा करते हो, तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल, वो क्या है जिसकी गर्दन तो है पर सर नहीं। बहुत ही आसान सा सवाल है, जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दे, अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर वीडियो डाल दिया मैंने अभी जस्ट, आराम से जाकर आराम से देख लो, जो देख लो नीचे आपको कमेंट में पिन आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक, जाओ और देख लो आराम से। ये रहा यूजर नेम अमृतपाल सिंह BWT, अगर के नहीं पता सवाल का जवाब तो जाकर देख लीजिए। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। और गाइज इस प्योर शहद को यानी कि दादेव शहद को खरीदना ना भूलें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो यार। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके।